नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत जिन्होंने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इन धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे उसका अपन ने अध्ययन किया है। अब हम धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूतों का, विद्वानों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत में पहला नाम आता है वाइक्लिफ महोदय। वाइक्लिफ महोदय एक अंग्रेज विद्वान थे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे और इन्होंने कैथोलिक धर्म व चर्च के पदाधिकारियों के क्रियाकलापों पर लेखनी चलाई थी। इन्होंने घोषणा की कि पोप है वह ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, पोप ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, वह केवल मात्र एक सामान्य व्यक्ति है, हमें उसे ईश्वर नहीं मानना चाहिए, केवल उसी के अनुसार जो वो कर्मकांड या अन्य कई प्रकार से हमें समझाते हैं केवल उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें तरक्की कसौटी को समझना चाहिए, हमें बाइबिल में लिखी हुई बातों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पोप अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि बनाते हैं ताकि जनता का उनसे जुड़ाव है वो हो सके। उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा और ये ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे, इन्होंने अपने दर्शन से लोगों को जोड़ा, कई लोग इनके साथ जुड़ गए और इनके अनुयायी लोदार्स के नाम से जाने जाते थे। लोदार्स इनके अनुयायियों को कहा जाता था। वाइक्लिफ जी का कहना था कि ईसाई को बाइबल के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, न कि पोप के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। वाइक्लिफ के अनुसार जो चर्च की संपत्ति है उस संपत्ति पर जनता को अधिकार कर लेना चाहिए। उन्होंने चर्च की रूढ़ी मान्यता, चर्च के द्वारा धर्म के नाम पर जो ठगी की जा रही थी उसका पूर्ण रूप से ही वो विरोध किया था। उन्होंने अपने जो विचार है वो अपने अनुयायियों तक पहुंचाए और वाइक्लिफ के
कैथोलिक चर्च के प्रति बढ़ते लोगों के गुस्से नफरत के कारण उन्होंने वैक्लिफ की मृत्यु करवा दी थी। इसी तरह धर्म सुधार आंदोलन में दूसरा स्थान जॉन हस का माना जाता है। जॉन हस बोहेमिया साम्राज्य के निवासी थे और प्राग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। उनके विचारों पर वाइक्लिफ का प्रभाव था। वाइक्लिफ के विचारों से प्रभावित हुए थे, बाइबल का अध्ययन किया और उन्होंने चर्च और चर्च के धर्माधिकारियों का विरोध किया। इन्होंने चर्च के नाम पर, धर्म के नाम पर ठगी करने वाले पादरियों पर कुठाराघात किया। चर्च के व अन्यों के बीच में कई प्रकार के विरोध आदि हैं वो चले थे। इन विरोधों के बावजूद भी उनका प्रभाव है वो कम नहीं हुआ। इन्हें शारीरिक सजाएं दी गई। इन्होंने वो सम्राट आदि की सभी बातें जनता तक पहुंचाई। जब इन्हें चर्च की महान परिषद के सम्मुख विचार प्रकट करने का अधिकार दिया तो इन्होंने उन विचारों का पूर्ण रूप से जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। इसके बाद एक और विद्वान थे, सेवोनारोला। सेवोनारोला फ्लोरेंस नगर के एक विद्वान पादरी थे और ये उत्साह से पूर्ण थे। इनके जोशीले भाषण जनता में प्रसिद्ध हो रहे थे। अब उसने जनता के सामने चर्च के भ्रष्ट नियमों, क्रियाकलापों को सुधारने पर जोर दिया। पोप अलेक्जेंडर सिस्टम ने उसे अपने विचारों का प्रचार करने का आदेश दिया, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से ही, अपने जोशीले भाषणों से उस समय मौजूद राजनीतिक व्यवस्था और नैतिक व्यवस्था का पुरजोर खंडन किया। सेवोनारोला यूरोप में एक धर्म के नाम पर ठगी करने वाले उच्च अफसर से जनता को बचाना चाहते थे। जब इन्हें महापरिषद के सम्मुख स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया तो चर्च की निंदा करने के आरोप में इन्हें जीवित जला दिया गया।
इसी तरह से अगला नाम आता है इरेस्मस। इरेस्मस हॉलैंड का निवासी था, कुछ वर्ष पर इंग्लैंड में रहा। वह एक प्रभावशाली लेखक, विचारक, विद्वान एवं सुधारक था। यूरोप के बड़े बड़े शब्रांत परिवारों ने उसे आदर पूर्वक बुलाया था। इरेस्मस ने चर्च में विद्यमान बुराइयों पर अपनी पुस्तक मूर्खत्व की प्रशंसा, जिसमें पादरियों और चर्च के धर्माधिकारियों की अज्ञानता पर प्रकाश डाला एवं उन लोगों को मूर्ख बताया जो इन पादरी व चर्च के कहे अनुसार कार्य करते थे। इरेस्मस ने तीर्थ यात्रा, शिव पूजा, धन आदि देकर पोप द्वारा अपराध को क्षमा करना ऐसे अंधविश्वासों की व्यंग्यपूर्ण और उपहासपूर्ण आलोचना की। इरेस्मस ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रचारित करने हेतु न्यू टेस्टामेंट का शुद्ध संस्करण निकालकर धर्म की सही व्याख्या की एवं धर्मशास्त्रियों की गुणों को उजागर को किया था। इनके बाद जिंगवली जैसे दार्शनिक हुए। जिंगवली स्विट्जरलैंड के एक सामान्य परिवार में जन्मे थे। हालांकि इनका परिवार समृद्ध था, कैथोलिक पादरियों और पोप की तरफ से इनको पेंशन मिलती थी। जिंगवली ने विदेशी शासकों की सहायता से बाड़े के स्विस सैनिकों के विरुद्ध आवाज उठी। इस काम में चर्च की भूमिका उत्तरदायी थी। जब उसे जूरी कैथेड्रल में धर्म का उपदेश देने के लिए नियुक्त किया तो उन्होंने अपने विचारों को जनता के सामने प्रस्तुत किया और जिंगवली ने पोप की सर्वोच्चता को अस्वीकार कर दिया और कहा कि चर्च में पोप की जगह हमें बाइबिल की महत्ता समझनी चाहिए। जिंगवली की शिक्षाएं स्विट्जरलैंड की 5 फॉरेस्ट कैंटनों के अलावा अन्य कैंटनों में लोकप्रिय हुई। जिंगवली की शिक्षा थी कि विश्वास और नैतिकता के मामलों में बाइबिल ही सर्वोत्तम सत्ता है। बाइबिल के अलावा पोप व उसके पादरी सही नहीं हैं। 1531 में जिंगवली ने अपने सशस्त्र अनुयायियों के साथ
क्या कर दिया, आक्रमण और उन्हें बला धर्म परिवर्तन कराने लगे। और इसमें चिंगुली है वो मारा गया। लेकिन इन पर काफी प्रभाव पड़ा और चिंगुली द्वारा बाइबल की जो सर्वोच्चता दर्शाई गई इससे जनता में एक बड़ी क्रांति है वो आई थी। इनके बाद आते हैं काल्विन, मार्टिन लूथर और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर काल्विन प्रसिद्ध हुए। काल्विन का जन्म 1509 ईस्वी में फ्रांस में एक मध्यम श्रेणी परिवार में हुआ था। यूरोपीय देशों की भांति फ्रांस में भी धर्म सुधार आंदोलन काफी तेज था। लूथर पादरी लोगों की विचारधारा से परिचित थे, इस कारण उन्होंने चर्च के दोषों के खिलाफ आवाज उठाई कि चर्च के नाम पर जो ठगी की जा रही है वो बंद होनी चाहिए। लेकिन उस समय फ्रांस का सम्राट फ्रांसिस प्रथम चर्च का कट्टर समर्थक था, पर 1516 ईस्वी में उसने एक विशेष समझौते द्वारा फ्रांस की कैथोलिक चर्च के मामले में पोप द्वारा व्यापक अधिकार प्राप्त कर लिए थे। ऐसी स्थिति में काल्विन ने जब चर्च व पोप का विरोध किया तो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हुई। लेकिन युवा अवस्था में ही उसके पास अत्यधिक लोग इकट्ठे होने लगे। काल्विन ने बताया कि इससे ही लोग प्रारंभिक दिनों की सादगी और सुंदरता को पुनः स्थापित करें। काल्विन ने अपनी पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन अर्थात ईसाई धर्म की रीतियां पुस्तक लिखी और इसमें काल्विन ने अपने धार्मिक विचार प्रस्तुत किए। इनके धार्मिक विचारों का प्रोटेस्टेंट संप्रदायों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इंग्लैंड में इनकी शिक्षाओं को देखा गया, पढ़ा गया। अमेरिका में भी काल्विन की शिक्षाओं का प्रभाव है वो हुआ था। काल्विन बाइबल को सर्वोपरि मानते थे, बाइबल से ऊपर चर्च व पदाधिकारियों को नहीं मानते थे और मुक्तिदाता के रूप में भी बाइबल ही श्रेष्ठ थी। काल्विन चर्च के शान शौकत चमक दमक पूर्ण रवैये से नाराज थे। उसके अनुसार चर्च में प्रार्थना शादी होनी चाहिए, विलासितापूर्ण जीवन यापन नहीं होना चाहिए, रविवार का दिन
सिर्फ धर्म के लिए रखा जाना चाहिए। इस तरह कॉल्विन की शिक्षाएं, विचार इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। 1598 में फ्रांस के शासक ने धर्म के नाम पर होने वाले रक्तपात को रोकने के लिए नांटेस का फरमान सुनाया था और इसके तहत कई सुधार कार्य हैं वो किए थे। तो देखिए, यूरोप में समाज सुधार आंदोलनों में, धर्म सुधार आंदोलनों में इन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनमें मार्टिन लूथर का योगदान कल हम एक विस्तृत रूप से देखेंगे अगले वीडियोस में, क्योंकि मार्टिन लूथर इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाएगा। धन्यवाद।